नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वे बिहार की महागठबंधन सरकार पर खूब बरसे। नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश कुमार की जनवरी में शुरू होने वाली यात्रा पर कहा कि यह हताशा की यात्रा है, उनका जनाधार खिसक गया है, जनता को विकास यात्रा पर भरोसा है, भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है। ज्यादातर लोग अपनी नौकरी से होने वाली की इनकम से सिर्फ जरूरतें ही पूरी कर पाते हैं। लगातार बढ़ती हुई महंगाई के कारण यह होना स्वाभाविक भी है। ऐसे में हर कोई यही चाहता है कि किसी भी तरह से उनकी इनकम बढ़ जाए, लेकिन इसके लिए आपको किसी बिजनेस में हाथ आजमाना पड़ेगा। ऐसे में पापड़ बिजनेस को आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, साथ ही इसमें आपको बहुत ज्यादा पूंजी भी नहीं लगानी पड़ती है। सरकार की ओर से भी इसके लिए आपको मदद मिल जाती है। वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में सोने के भाव में स्थिरता देखने को मिल रही है, जिसका असर बिहार में देखने को मिला है। पटना में आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 39,900 है, वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट 54,410 है। एएम ट्रिनिटी भारत सरकार द्वारा जनधन अकाउंट्स, मोबाइल नंबर्स और भारतीयों के आधार कार्ड को जोड़ने का एक इनिशिएटिव है। जनधन योजना की बुनियादी बैंक अकाउंट्स तक यूनिवर्सल एक्सेस, आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर और भारत का तेजी से बढ़ता मोबाइल फोन नेटवर्क जैम आर्टिकल्चर की रीढ़ है। आधार नंबर उन लोगों की पहचान करने में मदद करता है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए पात्र है और बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उनकी पहचान की पुष्टि करते हैं। बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर बिहार में राजनीति भी खूब होती है, लेकिन अभ्यर्थियों को लेकर सरकार की तरफ से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं दिखता है। वहीं पटना के हनुमान मंदिर में नौकरी करने का सुनहरा मौका है। मंदिर ने सुरक्षा प्रहरी के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट या ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। बिल भुगतान के लिए अब बिजली कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभाग ने भी डिजिटल बिजली बिल भुगतान के लिए जागरूक करने की कवायद शुरू की है। इसके जरिए लोगों को सुरक्षित तरीके से भुगतान की जानकारी दी जाएगी। विभाग की ओर से देय तिथि से पहले डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को छूट भी दी जाएगी। इससे कनेक्शन कटने से होने वाली कठिनाइयों से भी बचा जा सकेगा और बिना रुकावट उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति मिलेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई ने रेलवे प्रोजेक्ट्स के आवंटन में भ्रष्टाचार का मामला फिर से खोल दिया है। केंद्रीय एजेंसी के इस फैसले से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो सकती है। खासतौर पर नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने के बाद यह फैसला अहम है। यूपीए के पहले कार्यकाल के दौरान लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उसी दौरान रेलवे के प्रोजेक्ट्स के अलॉटमेंट में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। केंद्रीय विद्यालय में निकले टीचिंग और नॉन टीचिंग के बंपर पद पर आवेदन करने की लास्ट डेट आज है। वे कैंडिडेट्स जो इन पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो तुरंत फॉर्म भर दें, क्योंकि आज यानी 26 दिसंबर 2022 दिन सोमवार के बाद उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा। इन बंपर भर्तियों के तहत केवीएस में नौकरी पाने का यह बढ़िया मौका है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंतर्गत पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी वगैरह के कुल 13,404 पद भरे जाएंगे। मई में बीपीएससी की परीक्षा के बाद अब शुक्रवार को हुए बीएसएससी की परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होने के बाद से ही नीतीश कुमार युवाओं और बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सोशल मीडिया पर युवाओं के द्वारा एक तंज कसा जा रहा है, इसे बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। बीजेपी ने नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर तंज कसते हुए रविवार को एक ट्वीट जारी किया है, जिसमें उन्होंने भी लिखा है, बेच देंगे क्वेश्चन पेपर बाजार में, भरिए न फॉर्म बिहार में। भारत और चीन में तनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, कोई भी युद्ध होगा जब भी होगा वो एक से नहीं दोनों देशों से होगा। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब हाल ही में भारत और चीनी सैनिकों के बीच अरुणाचल के तवांग में झड़प हुई थी। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा और मुरौल प्रखंड में नेहरू युवा केंद्र कार्यक्रम में एक खेल मंत्रालय के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को बलिराम हाई स्कूल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सकरा प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अभिषेक कुमार रोहित कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बलिराम हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री ओम प्रकाश जी व विशिष्ट अतिथि के रूप में एनसीसी बिहार 32 बटालियन के एएनओ संजीव कुमार शर्मा थे। लोकसभा चुनाव 2024 की आहट से काफी पहले बीजेपी ने बिहार में सीटों को लेकर पत्ता खोलना शुरू कर दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 2024 में वैशाली लोकसभा सीट से भाजपा चुनाव लड़ेगी। क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के उत्साह से नेतृत्व का अवगत कराया जाएगा। सरैया मोती चौक पर भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री ने कही, यह सीट फिलहाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास है। केंद्र में एनडीए की सरकार है, जिसमें रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं।
IPL 2023 के लिए हुई मिनी ऑक्शन में जम्मू कश्मीर के अनकैप्ड खिलाड़ी विभ्रांत शर्मा को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीद कर सनसनी मचा दी थी। विभ्रांत ने खुद को 20 लाख रुपए के बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में रजिस्टर्ड कराया था, लेकिन हैदराबाद ने इस खिलाड़ी को करोड़पति बना दिया। मिनी ऑक्शन में बीतने के बाद उन्होंने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि विभ्रांत शर्मा के पसंदीदा क्रिकेटर युवराज सिंह रहे हैं और उन्होंने यूवी को ही हमेशा फॉलो किया है। फिनटेक स्टार्टअप्स के लिए यह साल चुनौतियों भरा रहा। उन्हें इस साल कई नियम कानूनों के बदलावों से गुजरना पड़ा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष इस सेक्टर पर बारीकी से नजर रखी और ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जिन्होंने कई स्टार्टअप्स के काम करने का तरीका बदल दिया। विशेष रूप से डिजिटल लैंडर्स के लिए अभी तक तैयार की जाने वाली सीमाओं के भीतर रहना अनिवार्य हो गया है। भारत में नौकरी पेशा लोग 50 से 65 साल की उम्र के बीच रिटायर होते हैं। अधिकतर लोग नौकरी के दौरान ही रिटायरमेंट के बाद के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, ताकि जिंदगी की उनकी दूसरी पारी भी शानदार तरीके से गुजरे। बुढ़ापे में आपको किसी के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़े, इसके लिए आपको नौकरी के दौरान ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप सही जगह पर निवेश करें। इन दिनों लोग बड़ी संख्या में सरकारी पेंशन स्कीम में निवेश कर रहे हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतों और स्कूटर की रेंज और बैटरी लाइफ में सुधार के बीच भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी लोकप्रिय हो गया है। कई कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए हैं, जिनमें एथर हीरो, टीवीएस, बजाज, ओला और अन्य कंपनियां शामिल है। गाड़ी छोटी हो या बड़ी, शहर हो या ग्रामीण इलाका, आज की फास्ट लाइफ को देखते हुए तकरीबन हर घर के लिए जरूरी हो चुकी है। और इन दिनों गाड़ियों की आसान किस्तें एक मध्यवर्गीय परिवार को भी गाड़ी लेने का मौका आराम से दे देती है। लेकिन एक गाड़ी लेने से ही खर्चे खत्म नहीं हो जाते, बल्कि शुरू होते हैं। ऐसे में हुंडई ग्रैंड i10 NIOS 998 cc डिस्प्लेसमेंट में 4 सीटर गाड़ियों में सबसे किफायती गाड़ी है। सेना में शहीदों की बहन और बेटी को भी अनुकंपा आधार पर नौकरी मिल सकेगी। सेना में चल रहे सुधार कार्य की कड़ी में यह पहल की जा रही है। रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। समिति ने नियुक्ति को लिंग भेदभाव के बिना बनाने की सिफारिश की थी। इसमें कहा गया था कि शहीद जवान के एक बेटे या भाई को अनुकंपा के आधार पर सेना में तुरंत मिलने वाली नियुक्ति को उसकी बेटी या बहन तक विस्तारित किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में गुजरते दिन के साथ शीतलहर की स्थिति और गंभीर होती जा रही है। अगले 4 दिनों तक राहत के आसार नहीं है। दिल्ली में मौसम बेहद सर्द बना हुआ है और आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को कई क्षेत्रों में देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी हवाओं से लोग ठिठुरते रहे। दिल्ली NCR में धूप तो खिली, लेकिन सिहरन से कोई राहत नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री करीब 300 बाल कीर्तनियों की ओर से प्रस्तुत शब्द कीर्तन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी है। पीएमओ ने एक बयान में कहा है कि पीएम मोदी लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा किए जाने वाले शब्द कीर्तन में शामिल होंगे और लगभग 3000 बच्चों द्वारा किए जाने वाले मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेहद अच्छी खबर है। दरअसल कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC अपने विभिन्न पदों के लिए 6400 से ज्यादा रिक्तियां निकालने वाली है। इससे 1000 युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका होगा। भारत चीन सीमा पर तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। रविवार को मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए 120 प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इन मिसाइल को चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब बैलिस्टिक मिसाइलों को सामरिक अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा। ये मिसाइलें 150 से 500 किलोमीटर के बीच दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। केंद्र सरकार द्वारा गरीबों और किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई है। फरवरी 2019 में शुरू की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना से करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बीते दिनों पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों को रास्ते में खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से दर उन्होंने बताया, किसानों को महंगी खाद से राहत दिलाने के लिए पिछले 8 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक के लिए लाखों रुपए की आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको बच्चों के लिए जन्म से ही निवेश की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कई सरकारी स्कीम बच्चों की शिक्षा से लेकर शादी तक का खर्च उठाती है। अगर आप भी बच्चों के लिए एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस बाल जीवन बीमा में निवेश करना चाहिए। इसमें आप रोजाना मात्र 6 रुपए के निवेश से अपने बच्चों को लखपति बना सकते हैं। आयकर नियम के अनुसार अगर किसी ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट मिस कर दी है, तो वह देरी होने पर विलंबित ITR फाइल कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी ने 31 जुलाई 2022 से पहले ITR फाइल नहीं किया है, तो उसे विलंबित ITR फाइल करना होगा, जिसकी आखिरी डेट 31 दिसंबर है।
अगर आप उज्ज्वलता योजना के लाभार्थी हैं तो आपको जल्द ही उज्ज्वलता एलपीजी अच्छी सब्सिडी मिल सकती है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए केंद्रीय बजट में उज्ज्वलता लाभार्थियों के लिए एक और वित्तीय वर्ष के लिए एक वर्ष में 12 सिलेंडरों के लिए 200 रुपए प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी का विस्तार करने की संभावना है। दो अधिकारियों ने बताया कि इस उज्ज्वलता योजना को मार्च 2023 से आगे भी बढ़ाया जा सकता है ताकि घरेलू रसोई गैस को राज्यों में खुले क्षेत्रों में ले जाया जा सके और 100% एलपीजी कवरेज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सरकार ने करदाताओं के लिए सहूलियत के लिए साल 2020 के बजट में दो टैक्स रेजीम लागू किए थे। एक में स्लैब की दरें कम थी लेकिन कोई टैक्स डिडक्शन नहीं था। दूसरे स्लैब में दरें तो ज्यादा थी लेकिन कई तरह की टैक्स छूट शामिल है। अब 3 साल बाद देखा जाए तो नए टैक्स रेजीम को अपनाने वाले करदाताओं की संख्या बेहद कम है। इस पर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने कहा कि अगर करदाताओं को नए रेजीम की तरफ लाना है तो उन्हें प्रोत्साहन देना होगा। सरकार की ओर से कई स्कीम चलाई जा रही है जिनमें लोगों को काफी फायदा होता है। इन स्कीम में सरकार की ओर से लोगों को बचत और निवेश के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार की ओर से कुछ प्रमुख योजनाओं में ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड न केवल इंडिया बल्कि पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। किफायती होने और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को लोग पसंद कर रहे हैं। इसी संशय के बीच टोयोटो को ओर से आए एक बड़े बयान ने सभी को चौंका दिया है। टोयोटो का सीईओ अकियो टोयोडो ने दावा किया है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो अंदर ही अंदर ईवी के भविष्य को लेकर संशय में है और उनका बड़ा सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ऑटो सेक्टर में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। एनडीटीवी के फाउंडर प्रणव राय और राधिका रॉय ने 27.26% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप को बेचने का निर्णय किया है। इसी एक खबर की वजह से आज एनडीटीवी के शेयर रॉकेट की तरह भागने लगे। सोमवार की सुबह इस मीडिया कंपनी के शेयर का भाव 5% के उछाल के साथ 357.60 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, मनोज कुमार पोद्दार, भान प्रकाश मौर्य, के सिन्हा, अशोक कुमार, चंदन कुमार यादव। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच पाया है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।